जीवन और जगत की व्यवस्था का एक बहुत बड़ा सच यह है कि संसार में कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं वरन अपने कर्म से ही महान हुआ करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी जाति में पैदा होते हैं लेकिन अपने महान कर्म और महान गुणों के कारण सारे संसार के लिए आदर्श और आदरणीय बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बड़ी जाति और बड़ी कुल में पैदा होते हैं लेकिन इसके बावजूद हल्के और छोटे कर्मों के कारण अपनी जाति से भी हल्के और छोटे बन जाया करते हैं। जीसस जैसे लोगों ने जो कि एक छोटी जाति में पैदा हुए लेकिन अपने जीवन में सत्य और त्याग को, प्रेम और करुणा को जितनी ऊंचाई तक जिया, उसने सारे विश्व के लिए उनको आदर्श बना दिया। वहीं प्रभव जैसे डाकू राजकुल में पैदा हुए लेकिन गलत सोहबत में चले जाने के कारण अपने राजधर्म से वंचित हो गए और डाकागिरी करके अपना काम चलाने लगे, जीवन यापन करने लगे। ये तो बलिहारी है जंबू की कि जिसने प्रभव को अपना दिव्य उपदेश दिया और प्रभु का हृदय बदल डाला, रूपांतरित कर डाला और तब डाकू डाकू नहीं रहता, वही डाकू बदल करके आचार्य प्रभव बन जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊंचे कुल और घर घराने में पैदा होते हैं लेकिन फिर भी नीच काम करने लग जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भले ही सामान्य कुल और जाति में पैदा होते हैं लेकिन अपनी गुणवत्ता के चलते, अपनी प्रतिभा के चलते व्यक्ति पहुंचता आखिरी ऊंचाई तक पहुंच जाया करता है। एक सामान्य वैश्य कुल में पैदा होने वाला मोहनदास करमचंद गांधी इस पूरे देश का राष्ट्रपिता बन जाता है। आदमी के कर्म महान होते हैं। ज्योति तो मिट्टी के दिए में भी पैदा हो सकती है और आध्यात्मिक विकास तो चांडाल जाति में पैदा होने वाले व्यक्ति का भी संभव हो सकता है। दुनिया में ज्योति पूजी जाती है, ये नहीं देखा जाता कि कौन आदमी किस जाति में पैदा हुआ है, कौन आदमी कि जिसकी ज्योति माटी के दिए में प्रकट हुई है या चांदी और सोने के दिए में प्रकट हुई है। पूजी जाती है तो केवल ज्योति पूजी जाती है। कोई ये ना समझे कि अगर अंबेडकर साहब पूरे देश के लिए आदर्श माने जाते हैं तो वो कोई छोटी जाति में पैदा होने कारण आदर्श नहीं माने जाते। आदमी के कर्म, आदमी का व्यक्तित्व, आदमी की पर्सनैलिटी, आदमी के त्याग, आदमी की ऊंची सोच, ये आदमी को ऊंचा बनाया करते हैं। पुरानी धर्म की किताबों में, धर्म की पुरानी किताबों में एक खास तौर पर घटना का जिक्र आता है और घटना है हरिकेश बल की। हरिकेश बल चांडाल जाति में पैदा हुआ। कहते हैं बात तब की है जब वो नन्हा बच्चा था, अपने कठोर स्वभाव के चलते, अपने कुरूप चेहरे के चलते सारे गांव वालों के लिए वो नफरत का पात्र बना हुआ था।
ना उसका कोई दोस्त था, ना उसका कोई करीबी परिजन था जो कि उसे चाहे अपने साथ खिलाए। एक दफा की बात है, गांव के बाहर उत्सव का आयोजन था और सारे बच्चे तैयार होकर के उत्सव में शरीक हुए, खेल कूद करने लगे, लेकिन कोई भी बच्चा हरिकेश बल को अपने साथ खिलाने को तैयार नहीं। दो वजह, एक तो चांडाल जाति का, छोटी जात का आदमी, और दूसरा कठोर स्वभाव का, और तीसरा काला कलूटा हबशी जैसा। निराश, उदास, मायूस, हताश एक किनारे बैठा है और अपने गांव के लड़कों को सामने खेलते हुए देख रहा है। सब लोग खेल रहे हैं, वो सोच रहा है कि आखिर क्या वजह है कि मुझे कोई भी लड़का, कोई भी लड़की अपने साथ खिलाने को तैयार नहीं है, तैयार नहीं है। यूं घटनाक्रम चलता है कि तभी देखता है अचानक उस खेल के बीच में से एक सांप गुजरने लगा। तो हरिकेश बल ने देखा कि बच्चों ने उस सांप को देखा और चिल्लाते हुए उस पर पत्थर डालने लगे, पत्थरों से पीटने लगे। सांप अधमरा हो गया, लगभग मर ही गया होगा। उठा के बच्चों ने उसे एक किनारे फेंक दिया, फिर खेलने लग गए। थोड़ी देर में ही सांप की तरह ही चलने वाला दुबला पतला, सामान्य दिखाई देने वाला अलसिया, वो भी उनके कबड्डी के मैदान में से निकल कर आया और जैसे ही बीच में जाने लगा, किसी ने पहले तो ध्यान ही नहीं दिया, तभी एक लड़का चिल्लाया, अरे अलसिया जा रहा है, कहीं किसी पांव के नीचे मर ना जाए। और ये कहते हुए वो लड़का आगे आया, एक तिनका उठाया, पतली डंडी उठाई, अलसिए को डंडी पर लिया और किनारे पर छोड़ के आ गया। घटना तो बिल्कुल सहज थी, सामान्य थी, सामान्य रूप में घटित हो जाने वाली घटना थी, लेकिन हरिकेश बल की चेतना के लिए बड़ी क्रांति का काम कर गई। और हरिकेश बल को लगा कि आखिर कबड्डी के मैदान में से दो जंतु निकले, एक सर्प और एक अलसिया। सर्प को मार दिया गया और अलसिए को बचा दिया गया। आखिर क्या वजह है, क्या वजह है? विचार करने लगा, विचार करते करते उसे लगा सांप कठोर स्वभाव का था, इसलिए उसे उठाकर फेंक दिया गया या मार दिया गया, पर अलसिया सरल स्वभाव का था, ठंडे मिजाज का था, सो उसे लोगों ने उठाकर एक किनारे रख दिया, उसे बचा लिया। हरिकेश बल को जीवन का पाठ पढ़ने को मिल गया, जो कठोर होता है वो मारा जाता है, जो सरल होता है वो बचाया जाता है, जो कठोर होता है वो दुत्कारा जाता है, जो सरल होता है वो बचाया जाता है, उसे सहेजा जाता है, उसे माफ कर दिया जाता है। वो निर्णय कर लेता है अब वो अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करेगा, अपने स्वभाव को बदलेगा, मैं अब अपने गांव में लड़कों के बीच में तभी लौट कर आऊंगा जब मेरा स्वभाव बदल चुका होगा, और जब तक मेरा स्वभाव नहीं बदलेगा तब तक मैं गांव में लौट कर नहीं आऊंगा। माना कि मैं काले रंग का हूं, मैं अपने चेहरे के रंग को तो नहीं बदल सकता, पर मैं अपने जीवन के ढंग को जरूर बदल सकता हूं। तो अब यह हरिकेश बल, चांडाल जाति में पैदा होने वाला यह हरिकेश बल, अब अपने जीवन के ढंग को सही करेगा। और तब हरिकेश बल वहां से निकल जाता है किसी और गांव की तलाश में। बीच जंगल में उसे महावीर मिल जाते हैं। वो महावीर के सामने जाकर अपना दुखड़ा रोता है कि मेरी ये समस्या है। महावीर कहते हैं, वत्स, अपने स्वभाव को अगर तुम्हें सुधारना है
तो तुम्हें अपने आप को जप तप संयम के मार्ग पर लाना होगा और यह महावीर तुम्हें वही देना चाहेगा जो कि उसके पास अमानत है। और तब महावीर के पास हरिकेश बल कुछ दिन रहता है। चांडाल जाति का व्यक्ति होने के बावजूद महावीर ने अपनी महान दया और करुणा करके उस हरिकेश बल को अपने शरण में ले लिया। कुछ दिन हरिकेश बल महावीर के पास रहा, महावीर के तप और त्याग को समझा, महावीर के जीवन को समझा और उसने भी संकल्प ले लिया कि वो भी महावीर जैसा ही कोई मुनि बनेगा, कोई ऋषि और महर्षि बनेगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। कहते हैं कि हरिकेश बल मुनि बन जाता है, खूब तपता है, खूब जप तप साधना करता है और अपने स्वभाव पर इतनी विजय प्राप्त कर लेता है, इतनी विजय कि कोई अगर हरिकेश बल के माथे पर डंडे का भी प्रहार कर दे तब भी हरिकेश बल उसे शांति और समता से सहन करने में समर्थ हो चुके थे। हरिकेश बल जन्मे तो एक चांडाल जाति में थे लेकिन उनका कर्म इतना महान हो गया कि अब वे एक सामान्य मुनि नहीं रहे वरन वे एक अनुत्तर योगी महर्षि बन गए थे। धन्य है हरिकेश बल को, एक अनपढ़, एक गंवार, एक अशिक्षित छोटी जाति में पैदा होने वाला व्यक्ति अपने जप तप संयम और महान कर्म के चलते, अपनी शांति समता और समदर्शिता के चलते, कभी महावीर ने कहा था कि मेरे श्रवण संघ में अगर कोई आदरणीय संत है तो उनमें हरिकेश बल नंबर एक पर है। कि जिसने अपने कठोर और कटु स्वभाव को बदलते बदलते अपने आप को विनम्रता की और शांति की प्रतिमूर्ति बना लिया। कहते हैं एक दफा वही हरिकेश बल मुनि अपनी यात्रा करते करते एक दफा वाराणसी नगरी में आए और वहां पर एक किसी चैत्य मंदिर के उद्यान में जाकर के ध्यानस्थ हो गए। तो वाराणसी नगरी के राजा कि जिनका नाम था कौशलिक, उनकी पुत्री भद्रा अपनी सहेलियों के साथ उसी चैत्य मंदिर में दर्शन करने के लिए आई और जैसे ही मंदिर से बाहर निकलने लगी कि उसने अपने सामने एक काला कलूटा हबसी जैसा अधनंगे शरीर में एक तपस्वी को अर्थात हरिकेश बल को देखा। उसको देखकर उसे इतनी नफरत हुई, ऐसा आदमी, अरे मंदिर से निकली और मंदिर से निकलते ही ऐसा आदमी मिल गया।